नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट टॉप दी हेल्पर। और देखिए आप बड़ी खबर देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी को दी जा रही है और ये यूजीसी के द्वारा दी जा रही है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके द्वारा दी जा रही है। क्या खबर दी जा रही है ये देखिए खबर पर। देखिए यूजीसी लगातार जो है एक अपडेट दे रही है और सभी यूनिवर्सिटी के पास एक नोटिस भी जा रहा है। साथ में जो नया नोटिस निकल रहा है वो नोटिस में देखेंगे, आई गौर करेंगे और सभी छात्र प्रमोट हों ये हम जो है लगातार कैंपेन भी चला रहे हैं ट्विटर पर और मांग भी कर रहे हैं, जिससे कि अभी जो हालात ख़राब है उसको देखते हुए प्रमोट करने का ये विकल्प बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। तो देखते हैं क्या है यूजीसी का निर्णय और क्या यूजीसी एग्ज़ाम कराना चाहती है या एग्ज़ाम रोकना चाहती है। तो आइए चलते हैं आप और आप ये बताएं कि एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन कुछ जो यूनिवर्सिटी के हरेंगे ऑनलाइन हो जाए एग्ज़ाम, तो ऑनलाइन होने के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जा सके। तो आइए पहले यूजीसी की खबर पर चलते हैं। जो यूजीसी ने क्या खबर दी है देखिए, हमें यहाँ से मिल रही है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन दिल्ली इंडिया। देखिए टाइम्स न्यूज पेपर है, यहाँ से इसकी वेबसाइट है, मैं उससे मिल रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन हैज इशू ए नोटिस आस्किंग ऑल द यूनिवर्सिटी नॉट कंडक्ट ऑफलाइन एग्जाम इन मई एंड आस्किंग द डिसाइड ऑन कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम आफ्टर असेसिंग लोकल कंडीशन। देखिए उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एग्जाम कराए जाएंगे और जो लोकल कंडीशन को देखते हुए उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कंडीशन कैसी है, उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा कि पेपर कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है निकल के कि ये ऑनलाइन एग्जाम कराने पर उन्होंने कहा है, और ये ऑनलाइन एग्जाम अगर कराए जाएंगे तो क्या सभी यूनिवर्सिटी की कराए जाएंगे या एक ही यूनिवर्सिटी की कराए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि अगर यूनिवर्सिटी सब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि ऑनलाइन एग्जाम करा सकें, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प बन रहा है वो सिर्फ रिमोट का ही विकल्प बन रहा है कि हाँ एक रिमोट ही होनी चाहिए। चाहे किसी स्थिति में देखिए आप कोई सा इशू उठा कर देख लीजिए, उसमें भी आपको जो है प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रमोट किया है और कर्नाटक यूनिवर्सिटी ने प्रमोट किया है, तो ऐसे ही को भी प्रमोट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी छात्र इसमें सहयोग करें और ट्विटर पर लगातार जो है रिट्वीट करते रहें, जिससे कि सभी जो है छात्र जो है वो हो जाए प्रमोट हो जाए सब, ठीक है। सबको प्रमोशन मिल जाए और सभी अपने घर पर रहेगा, स्वस्थ रहें सभी बच्चे, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।